धर धर के ताकिया है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। देखिए काफी अच्छा है, काफी अच्छा डेकोरेशन किया है, अच्छा लोकेशन भी काफी खूबसूरत दिख रहा है आपको, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये बाईपास के है इमामबाड़ा तैयार किया गया है, दोनों यहाँ इस ताजिया को तैयार किया है, उससे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इस ताजिया को बनाने में जितना समय लगा है उस समय का जानकारी हम आपको देते हैं। तनवीर एन खान, तनवीर एन खान और राजा भाई सपोर्टिंग दिख रहा है आपके सामने। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सब सपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सपोर्टिंग मतलब पूरा मोहल्ला जुट करके काम किया है और बहुत खूबसूरत ताजिया बना है जो आप देख सकते हैं ताजिया पीछे। और यहाँ पे तनवीर एन खान आए हैं, तो थोड़ा सा तनवीर एन खान आप कुछ बताएं। तो इसमें टिंकू भाई जो है वो मतलब कि काम किए हैं और भी सारे मेंबर लोग मिल करके काम किए हैं ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी जो हजरत है यहाँ के हमारा के मुजाबे और सारा अहतमाम उन्होंने किया और शरीफ बनाया हमारे बंटी भाई, उनके भाई छोटे। अच्छा बंटी भाई भी है, चलिए ठीक है। छोटे भाई हुए टिंकू के, छोटे भाई हुए तो आप बताइए टिंकू भाई, ये जो ताजिया बनाने में आपको कितना समय लगा और किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ा? और बाकी बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाया आपने ताजिया, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि इसे तैयार करने में आपको कितना समय लगा? ये ताजिया को बनाने में हम लोगों को तकरीबन 10 दिन का टाइम लगा है। अच्छा जी हाँ, और टाइम लगा है, साथ में बहुत दिमाग खर्चा करना पड़ता है, लेकिन ये है कि सरकार आली मुकाम का करम है कि हम लोग बहुत अकीदत मोहब्बत से बनाते हैं और पूरे मोहल्ले के जितने लगे हुए सब मिलकर बनाते हैं, कोई फर्ज नहीं बनाता। चलिए बहुत अच्छी बात बोले आपने, एक बहुत अच्छा मैसेज दिए कि मोहल्ले के सारे लड़के मिल करके इस काम को करते हैं और यही एक यूनिटी होना चाहिए। कोई भी अगर एक मोहल्ला में रह रहे हैं तो आप एक साथ यूनिटी बनाना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा बात बोले हैं। और इसे 10 दिन लगाए बनने में है ना? जी हाँ। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहा है ताजिया। और ये गुंबद को बनाने में कितना समय लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। गुंबद को बनाने में 4-5 दिन लग ही गया है। अच्छा 4-5 दिन लग गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। और ये है टिंकू भाई जिसने इस ताजिया को बनाने में कम से कम 10 दिन समय लिया और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। हाँ ये है जो बाईपास के शमशेर नगर में, तो थोड़ा सा इसके विस्तार में आप कुछ बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा एरिया पड़ता है। ये शमशेर नगर बाईपास रोड कहलाता है। अच्छा, ये अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार के सामने में ये हम लोगों का इमाम बारगाह है। अच्छा, यहीं पर हम लोग आज तकरीबन 20 साल से इमामबाड़ा है यहाँ। अच्छा, और हर साल हम इसी तरह से मनाते हैं। अच्छा, तो पिछले साल तो नहीं हुआ था, कोविड-19 ज्यादा था इसके। हम लोगों ने बहुत ख्याल रखा था, ये मौलिक बीमारी है, लोग बहुत परेशान थे, तो हम लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन कोशिश किया रस्म व रिवाज सिर्फ किया जाए और फूल फजूल कुछ ना किया जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और छोटू भाई कुछ बोलना चाह रहे आप, थोड़ा आगे आइए। अगले साल भी कोविड का लेके बहुत ही मसला आया था जी, लेकिन हम लोग बहुत भीड़ को हटाते हुए ताजिया को फिर भी जिस जगह पे जिस तरीका से किया जाता है उस तरीका से उसको मुकम्मल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बोला है कि
और आजाद भाई जी आप थोड़ा सा सामने आकर के कुछ थोड़ा सा ताजिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दे ताकि मैसेज सभी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, आज जो ताजियादारी हम लोग किए हैं और इसके लिए जितने मोहल्ले के लड़के लोग इस ताजियादारी में हिस्सा लिए हैं या फिर जो भी इमाम बारगाह में हिस्सा लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। और एक मैसेज मेरा ये है कि आज के दौर में अगर हम लोग ताजिया या इमाम अली मकाम के बारगाह को समझ लें तो यही बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जिसने करबला में अपने आप को शहादत पेश किया आज उनके लिए हम यहां पर जमा होते हैं और ये मुहर्रम का जो त्यौहार है वो मनाते हैं। तो ताजियादारी बिल्कुल जायज है, ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। और इसके शान में बहुत सारे उलमाओं ने बहुत सारे अहदीस और बहुत सारे ऐसे तफसीर बयान हैं जिसके लिए हम लोग ये मनाते हैं। और ये कोविड के वजह से जुलूस या अखाड़ा नहीं हुआ, लेकिन लोग इमाम बारगाह में आके कम से कम फातिया में शरीक हों और ताजियादारी में शिरकत करें और इससे दुआओं में फैज मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं और ये मैसेज आवाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, मैं राशिद, मेरा नाम है राशिद और राशिद धनबाद ब्लॉग चैनल है मेरा। और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा है सभी लोगों के लिए, ये हम लोग जो कर रहे हैं पिछले साल तो नहीं कर पाए लेकिन इस साल कोविड के हिसाब से जुलूस और अखाड़ा नहीं निकाल रहे, सिर्फ इसे तैयार करके यहाँ पे फातिया होती है कर सक रहे हैं। हाँ, सिर्फ रस्म रिवाज अदा कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे टिंकू भाई, हाँ टिंकू भाई, टिंकू भाई आप कुछ थोड़ा सा आज इस दौर में जो मुहर्रम को मिटाने के लिए हमारे कुछ नाकामयाब उलमा भी तैयार हैं और हम कहना यह चाहते हैं कि मिंबर पे जो खड़े होकर के जो मिंबर पे जो लोग मौलाना लोग बयान कर देते हैं कि मुहर्रम मनाना सही नहीं है, ताजिया बनाना सही नहीं है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं डंका बजाना सही नहीं है। लेकिन डंका के बारे में बताना चाहता हूं कि डंका जो है हम लोग यजीद के हार पे मनाते हैं, हुसैन के जीत पे बजाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बोले, बहुत खुश। यजीद की हार है और हुसैन की जीत है, जीत है। आपको गम मनाना है आप गम मनाएं, हम हुसैन की जीत को मनाते हैं बहुत अच्छी और मनाते रहेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे। रही बात कि डंका बजाना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो वहां भी डब बजा के उनका इस्तकबाल किया गया था, तो हम हुसैन के लिए भी डंका बजाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि नाना का डंका बजाना जायज और नवासे के लिए बजाना हराम? इसीलिए लोगों के बीच बहुत इख्तलाफ फैलाया जा रहा है और हमारे कुछ जो है कुछ उलमा जो है वो मिंबर पे खड़ा होकर के बहुत उल्टा पुल्टा बयान कर देते हैं। हम उन लोगों को ताकीद करते हैं कि वो लोग सुधर जाएं और आली मकाम के सही मकाम को समझने की कोशिश करें हकीकत की रोशनी में, और वो खड़ा हो जाते हैं मिंबर पर और लान तान करते हैं कि ताजिया बनाना हराम है और ये है दिस डाइट है। वो आके मेरे पास कोई भी उलमा आके हमसे रब्ता करे, हमसे बात करे, डिबेट करे, अगर वो मुझे हरा देगा तो मैं उसके बाद पर जिंदगी भर चलने मैं बारगाह को मैं छोड़ दूंगा। 17 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं इस बारगाह को छोड़ दूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात। और टिंकू भाई शुक्रिया जो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए और एक मैसेज पहुंचाए उन लोगों के पास कि जो डंका जो बजाते हैं ये नहीं बजाना चाहिए। लेकिन सही बात है, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और सोच सही होना चाहिए। हाँ, इंसान का सोच का हदीस भी है, तिर्मिज़ी शरीफ का हदीस भी है कि हमारे अमल का दारो मदार हमारे नियतों पर है। बेशक, तो जिसका जो नियत हो किसी का नकली हुसैन मरा हो तो वो मौत मनाए, मेरा हुसैन तो आज भी जिंदा और कल भी जिंदा है। और कुरान भी कहता है कि जो मेरे राह में अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे राह में शहीद किए गए उसे मुर्दा गुमान मत करो। लेकिन कुछ उलमा को देखते हैं कि मिसाल देते हैं कि तुम्हारा बाप मरा था तो तुम डंका बजाएगा, तो हुसैन का शहादत और मेरे बाप में कोई फर्क नहीं है? अगर किसी उलमा ने ऐसा बात कहा कि तुम्हारे बाप का मरना और हुसैन का शहादत एक है तो उसने कुरान से इनकार किया। कुरान से इनकार करने का मतलब है कि उसने वो ईमान से बाहर चला गया, उसके पीछे नमाज पढ़ना भी हराम है। तो ऐसे लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि वो उल्टा पुल्टा ना बोले, और वो भी उस मेंबर से बोलते हैं जो मेंबर रसूल है, जो नाना का मेंबर है, जहां जिस हुसैन की वजह से काबे का तकद्दस बाकी रहा, जिस हुसैन की वजह से मस्जिद का तकद्दस बाकी रहा, आज हुसैनी वो है जो अपने खून से पूरे दिन को सींचे और उसके बारे में उल्टा पुल्टा बयान। इस बात को बस एक जोड़कर मैं खत्म करना चाहता हूँ कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हैदरी, या हुसैन, या हुसैन। जैसे कि आपने अभी देखे कि बहुत अच्छा, मतलब कि आप लोगों को एक मैसेज पैगाम दिया है और ये ताजिया जो बनाना अनिवार्य है और हर लोग इसे बनाए और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ताजिया बनाया है। आप देख सकते हैं मैं इसे शूट किया हूँ वीडियो में और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ के जितने मेम्बरशिप है
और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो अपना इस्तकबाल किए हैं और इस ताजिया को दिखाया गया है, शूट किए हैं। तो मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।